हाय गाइस, वेलकम टू DSR एजुकेशन। देखिए, हम लोग आज फिर से सीखेंगे कुछ नया, भाग देने का, है ना। जो कि करीब आप लोग भाग देखना सीखे होंगे, लेकिन आज कुछ नया फिर तरीका नया है एक। जरूर देखिए इस तरीका को, और इस वीडियो को आप सिर्फ लास्ट तक देखिए। भाग देना आप, मेरा 100% गारंटी है कि आप सीख जाइएगा। बस इसको देखिए, यह कहिएगा कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये 9th के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। 9th के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कहते हैं। और बारीकी से देखिए गाइस, 2x² प्लस 3x + 1 को x + 2 से भाग, है ना। भाग देने से पहले कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ दिखा देते हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार हम दिखा देते हैं, यादें ताज़ा कर देते हैं। देखिए तो x + x क्या होता है गाइस, यानी एगो एक्स, तो क्या गो एक्स, तो 2x, है ना गाइस, 2x हो जाएगा। अगर x - x कितना होता है गाइस, यानी x में से x घट जाएगा, तो कहिएगा 0 होता है। अगर वही कह देंगे x - x कितना होता है गाइस, यानी देखिए तो गाइस ये थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट है थोड़ा अभी के लिए। तो x को x से गुना करना है, इसका पावर कितना है गाइस, 1। इसका भी पावर कितना है गाइस, 1। और दोनों का क्या होगा, पावर होगा ना, यहाँ x + x था तो 2x हो गया, और यहाँ x * x है गाइस, x * x है, तो x * x कितना हो जाएगा, x और एगो कितना x² हो गया, 2 को, यानी एगो पावर इसका तो कितना हो गया, 2 को पावर इसका हो गया। अब देखो ना, अगर x / x पूछ दिया तो कितना हो जाएगा, x से x भाग देंगे कितना बचेगा, 1, ठीक है गाइस। अगर इसी चीज़ को और एक चीज़ पूछ दें इसमें हम आपको, कि x² को x से गुना कर देंगे तो कितना होगा, आप तो फिर कहिएगा कि 2 और 1 से गुना करेंगे 2 होगा, ऐसा नहीं होगा। 2 तो इसका पावर है ना, और 1 इसका है, तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका। जैसे इसका पावर 1 था तो 2 हो गया, इस तरीका से इसका क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अगर उसी में पूछ दे आपको x³ * x, तो आप तो समझ गए होंगे आज, बोलिए कितना होगा। अच्छा ठीक बोले, x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है गाइस, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलिए हम इसको भाग देना, इसको भाग देते हैं। चलिए 2x² प्लस 3x + 1 को किससे भाग देना है गाइस, हमको 2 से, ठीक है। थोड़ा हम आपको रफ, क्योंकि हम रफ तो करते हैं, ट्रिक या रफ, ये दो चीज़ हम ज़्यादातर लेते हैं। एक चीज़ देखिए गाइस, आपको मैनुअली सब में समझ में आता होगा, लेकिन इस ट्रिक को हम आपको जो फॉलो कर रहे हैं रफ को गौर से देखिए, आपको समझ ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया आएगा। इस x से पहला वाला में भाग देना पड़ेगा ना हमको, 2x² में ना, x से 2x² में प्लस रहेगा, उसके बाद 2 से लगेगा 3x में, तो x को इससे भाग देना है, यानी 2x² को हमको भाग किससे देना है, x से, ठीक है। अब चलिए 2x² को आप कितना से लगाए कि पूरा एक बार में कट जाए, कितना से लगाए कि पूरा एक बार में कट जाए, तो देखिए ना गाइस, 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से x * x, यानी x * x बटा में कितना है गाइस, x। अब देखिए x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा गाइस, तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, x से x कट गया तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। अब 2x, यानी हम 2x से भाग लगा सकते हैं, यहाँ देखिए 2x से लगा दिए तो कितना बार में, x को 2x से लगाए, है ना, x को कितना से लगाए गाइस, 2x से लगा रहे हैं, तो x को 2x से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का तो 2 रहेगा, और x गुने x तो क्या हो जाएगा गाइस, x², ठीक है। चलिए प्लस है, यहाँ भी क्या सिंबल है, प्लस का ही सिंबल है, तो प्लस का प्लस। अब 2 को कितना से लगाएंगे, 2 से, तो कितना होगा, 2 × 2 = 4, और x का क्या होगा, x, ठीक है। प्लस है तो प्लस है, यहाँ तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्यों, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो फिर से माइनस, ये सिंबल चेंज होता है सिंबल इसमें गाइस। और बीच वाला जो सिंबल होता है उसका वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर होता है, शून्य हो जाता है उसका वैल्यू, समझिए। बीच वाला जैसे प्लस का वैल्यू कट जाता है, और ऊपर और नीचे का वैल्यू जो होता है वही मान्य रखा जाता है। तो देखिए, ये 2x² प्लस में, ये 2x² माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या है, 3x माइनस में 4x, तो घटेगा कि जुटेगा, देखिए ना, 4x का जो 4x है उसका पावर माइनस है, यानी ज़्यादा है, और प्लस 3x क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर माइनस रहेगा, सिंबल माइनस का आएगा, और क्या घटेगा, कितना बचेगा, एक्स बचेगा, उसके साथ प्लस 1 बचेगा, ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए सेकेंड स्टेप देखिए इसका, अब माइनस एक्स को एक्स से देना है ना, तो माइनस एक्स को भाग हमको किससे देना है, एक्स से। तो आपको सिखाए थे ना, जब एक्स एक्स में भागा पड़ेगा, यानी एक्स भागा,
है ना, एक्स होता था, कट जाता था, कितना बचता है गाइस, एक बचता है कि नहीं बचता है? तो देखिए ना, एक्स को कितना से भाग देना हम एस को, तो इस दोनों को कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक। लेकिन इसके पीछे क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ भी लग जाएगा माइनस, है ना। तो माइनस और क्या, एक से, यानी माइनस एक से करेंगे तो एक्स को माइनस एक से करेंगे तो माइनस एक्स तो आ जाएगा। अब प्लस देखिए ना, प्लस दो है यहाँ ना, कितना है, प्लस दो। आप प्लस दो से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस दो, हुआ कि नहीं, प्लस माइनस माइनस, और दो को एक से तो दो। अब देखिए ये क्या है, माइनस था प्लस, यहाँ क्या है, माइनस था प्लस। अब ये दोनों क्या होगा, प्लस बीच वाला सिंबल तो मतलब खत्म हो जाता है, तो ऊपर का और नीचे का सिंबल होता है, ये भी कट गया। अब यहाँ क्या होगा, जुटेगा या घटेगा, आप कहिएगा माइनस, बीच वाला सिंबल का वैल्यू होता नहीं है, तो एक ऊपर का सिंबल और नीचे का सिंबल, एक और दो कितना हो गया, तीन हो गया इसका आंसर। कैसा लगा गाइस ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है गाइस। और चाहते हैं कि ऐसे मज़ेदार वीडियो और हम पोस्ट करें।